वेलकम टू ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स। तो हम आ चुके हैं ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग परियोजना में। ये देखिए लाइव काम, मिट्टी डालकर लेवलिंग किया जा रहा है। ये यहाँ से ये रेलवे ट्रैक्स जो है ये चुरहट की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन है रामपुर नेकिंग की और यहाँ से चुरहट जाएगा। समझने वाली बात ये नहीं आ रही है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये जो लेवलिंग की गई है, तो अगर लेवलिंग के हिसाब से चला जाए तो ये सीधे ऐसे जाएगा। लेकिन जो सर्वे वाले हैं, पत्थर ये हैं, ये दोनों अलग डायरेक्शन में, ये पहला हो गया, वो दूसरा हो गया। दूसरा आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये है, ये दूसरा है, ये देखिए एक तो ये है और एक ये है। ये डायरेक्शन अलग है लेकिन लेबलिंग दूसरे हिसाब से हो रही है। ये देखिए काम हो रहा है लेबलिंग का। ये है भेलकी गांव, इस तरफ है, और ये जो वाइट आप घर देख रहे हैं ये है गनौट गांव। उसके आगे आप जब जाएंगे तो चदेनिया गांव आएगा, फिर कपूरी आएगा, फिर रेलवे स्टेशन है चुरहट का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट। शाम का समय है, अभी बारिश हुई है कुछ देर पहले। आपको पता ही चल रहा है कि इस बार रीवा और सीधी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है जो कि आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ उतनी मैंने महसूस नहीं की है। इस बार का टेम्परेचर लगातार 45-46 डिग्री गया है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का 43 डिग्री गया है। तो इस बार ये रेल लाइन परियोजना बन रही है जो कि आप देख पा रहे होंगे। बड़ा ही अच्छा लगता है, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। आपको बताते चलें कि जो हमारे सीधी सिंगरौली के जो माननीय सांसद हैं श्री राजेश मिश्रा जी, वो बहुत एक्टिव है, उनका काम करने का तरीका भी बहुत एक्टिव है। उन्होंने तुरंत मीटिंग ली और बोला कि जल्द से जल्द इस रेल लाइन प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए। इस वजह से काम की गति देखिए कितनी फास्ट हो गई है। ये देखिए बहुत दिनों से आपसे वादा किया था कि आपको वीडियो दिखाएंगे लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज समय निकाला है और दिखा रहे हैं आपको। ऐसा मुझे लग रहा है कि अलाइनमेंट चेंज हुआ है। ये देखिए एक ये पिलर है रेलवे का, एक वो पिलर है, तो उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो सीधे जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, ये जो लेवलिंग की है उन्होंने, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा अलग ही रूट पे जाएगा। अब देखिए क्या होता है, काम तो तेज़ चल रहा है, अब देखते हैं कि इसके आगे काम कब तक जाता है। ज़्यादा ऊपर तक नहीं किया गया है, अभी लेवलिंग थोड़ा सा कम ही की गई है। आपको बता दें यहाँ पानी भराता है तो इसके वजह से यहाँ की जो लेवलिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गहरी ये जो मेड़ है काफ़ी ऊंची है और यहाँ पे पानी की समस्या रहती है, पानी भरा जाता है। और अभी आपको थोड़ा सा खाली दिख रहा होगा लेकिन अब 15-20 दिनों बाद जब यहाँ पर धान की फसल बोई जाएगी तो फिर ये जो जगह है बिंदर क्षेत्र, ये जन्नत से कम नहीं लगती है। बहुत आगे तक काम चल रहा है, देखिए दिखाते हैं आपको जूम करके। ये देखिए अब यहाँ से सीधे चुरहट जाएगी रेलवे ट्रैक्स। रास्ते में जो पेड़ पौधे आ रहे थे उनको काट दिया गया है, जो कुएं वगैरह हैं इनको भी पाट दिया गया है। एक वहाँ पे ये रोड है, आपको दिखाता हूँ मैं,
ये आप रोड देखेंगे, ये देखिए ये रोड का एक रोड है, वहाँ पे ये ब्रिज है, वहाँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ बनाया जाएगा ब्रिज वगैरह, तभी वहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी मोटरसाइकिल लोग की, क्योंकि जो लोग यहाँ से गनोड़ बेल की जाते हैं वो लोग इसी ब्रिज से जाते हैं। वो सामने भी जेसीबी लगी हुई है, काम किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि पश्चिम मध्य रेलवे इस मिट्टी का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये ऐसी मिट्टी है, फोकस करो कैमरा, ये ऐसी मिट्टी है कि थोड़ा सा भी पानी अगर इसमें आया ये दलदली हो जाएगी, ये दलदली मिट्टी है। पता नहीं पश्चिम मध्य रेलवे इस मिट्टी का इस्तेमाल क्यों कर रहा है लेवलिंग के लिए, क्योंकि इससे पहले जो लेवलिंग हुई है वहाँ पे जो रेतीली टाइप की मिट्टी है उसका इस्तेमाल किया गया था, इस बार पता नहीं ये मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। चलते हैं आपको आगे, अभी हम चल रहे हैं। आज से कुछ सालों में, यानी कि 1 से 2 सालों में यहाँ पे रेल पटरियाँ बिछकर यहाँ पे यात्री ट्रेन चला करेंगी। उसके बाद हमारी जो वीडियो है इसमें देखकर एक यादें ताज़ा होंगी कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। यह है पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना। हालांकि ये परियोजना काफ़ी लंबित हो गई, लंबित होने का मुख्य कारण था किसानों को रोज़गार नहीं मिला, बहुत से किसानों को मिल गया, उसके बाद धांधलेबाजी हुई जिसमें बहुत से गरीब किसान ऐसे हैं जो बिना नौकरी के ही रह गए। किसानों के द्वारा लगातार अनशन किया जा रहा था कि हमको नौकरी दी जाए, लेकिन नौकरी देने की नीति भारतीय रेलवे ने वापस ले ली है, इस वजह से नौकरी नहीं मिल पाई। ये देखिए आज ये काम हुआ है, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ताज़ी मिट्टी है, यहाँ से ले कर वहाँ तक का कार्य आज किया है, और ये मिट्टी पुरानी पुरानी है, ये काम पहले ही हो चुका है। जिस स्पीड से काम हो रहा है, अगर इसी स्पीड से काम होगा तो समझ लीजिए कि 10 दिन के अंदर यहाँ से चुरहट रेलवे स्टेशन, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। सामने मोहनिया पहाड़ है, हालांकि हमारे साथ हमारे मित्र आए हुए हैं जो कि हमको ये सारी गांव की जानकारी दे रहे हैं। लेके चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं क्या कैसा काम हो रहा है, बने रहिए वीडियो में आप लोग, और बहुत ही जल्द आपको इस रेल लाइन प्रोजेक्ट्स का पूरा काम दिखाएंगे। अब आपको सीधी चुरहट और बगबार गोविंदगढ़ हर जगह जाएंगे और आपको वहाँ का काम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, हमारे साथ चलिए आप सभी लोग। तो फिलहाल इतना ही काम हुआ है, और अभी काम पूछा गया उनसे कि आगे क्या काम होगा, तो बताया गया कि बस इतनी ही लेवलिंग होगी, उसके बाद अब लेवलिंग जो होगी वो बरसात के बाद होगी, यानी कि ठंडी में सितंबर के बाद
यहाँ पर पानी गिरना बंद हो जाता है 20 सितंबर के बाद से। बारिश अच्छी खासी होती है इस एरिया में, धान का एरिया है ये। अक्टूबर के बाद यहाँ लेवलिंग जो जहाँ बंद की गई है वहाँ से लेवलिंग शुरू होगी। आपको बताते चलें कि और भी जितने आपको बता दें कि इससे आगे जो काम हो रहा है चुरट के आगे जो कार्य किया जा रहा है वहाँ पे गिट्टी तक डाल दी है, वहाँ पे गिट्टी भी डाल दी गई है, वहाँ सिर्फ स्लीपर और रेलवे ट्रैक्स बिछाना बाकी है, लेकिन बीच बीच में छूटा हुआ है अब पूरा काम। हालांकि अब काम ये बंद होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं कि अब काम बंद होगा क्योंकि बरसात है और बरसात में यहाँ की आपको मिट्टी मैंने बताई है दलदली मिट्टी है तो काम नहीं हो पाएगा अच्छे से, लोकल मिट्टी ही का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पीछे की तरफ थोड़ा सा पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था लेकिन यहाँ आगे ये देखिए रेलवे का जो पिलर है कि हम यहाँ से ले गए यहाँ तक की हमको चाहिए डिस्टेंस, ये इसको भी तोड़ दिया गया है। इंडियन रेलवे का सर्वे वाला होता है ये खम्बा, वही है ये देखिए। हालांकि जिस हिसाब से लिया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि डबल लाइन आ जाएगी क्योंकि एक सिंगल ट्रैक यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रॉडगेज होगा, यहाँ डबल लाइन की ही जगह ली जा रही है। हालांकि डबलिंग जब होगी तो और भी बढ़ाया जा सकता है या फिर ऐसा भी प्लान होगा कि स्टार्टिंग से ही डबल के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर ले क्योंकि इस एरिए में ज़मीन अधिग्रहण करना माने लोहे के चने चबाने की तरह है। ये देखिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए हालांकि जो वर्कर हैं वो तो बता रहे थे कि अब इससे आगे नहीं जाएंगे लेकिन अब देखिए हालांकि मौसम का मिजाज भी है, मौसम धोखा देगा क्योंकि इस साल पड़ी है दबा के गर्मी और इस साल दबा के पानी भी बरसेगा। वो देखिए मून आपको दिख रहा होगा। मेरे YouTube चैनल में बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली है, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना, इनके अलावा कई परियोजना हैं और कई रेल समाचार हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। देखिए 2 किलोमीटर पैदल चल के वापस आ रहे हैं, हालांकि वीडियो में एडिट कर करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए अच्छी खासी मेहनत लगती है। और ये देखिए मून काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, हम हमारे घर रीवा